हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। टेक टू टेक चैनल में आशय का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ये मेवी कॉलर 2B का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और मैं ये 10 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका एक रिव्यू भी देने वाला हूँ। इसका क्या प्रोज है, इसका क्या कॉन्स है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ और इसके बारे में सब कुछ, जैसे कि म्यूजिक क्वालिटी कैसा है और इसका कॉल क्वालिटी कैसा है, सब कुछ आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। और मैंने ये अमेजन से 1200 में परचेज किया है। तो ये प्रोडक्ट आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और मैंने ये ब्लैक कलर का लिया है। इसका और भी बहुत सारा कलर्स आता है, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज एंड ग्रे कलर में भी आता है। और इसका एक अच्छी चीज है, ये फुल्ली मेड इन इंडिया है। तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट आप चाहते हैं तो ये परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, पर उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो बॉक्स को ओपन करने से पहले इसका थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका एक पिक्चर दिया गया है। कॉलर 2 वायरलेस ईयरफोन्स, डीप एंड पावरफुल बेस, 10 घंटे का प्ले टाइम है, ब्लूटूथ 5.0 है। और यहाँ पे देखिए, इंजीनियर्ड एंड मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए कुछ फीचर्स वगैरह इसका लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए HD स्टीरियो साउंड, लॉसलेस ऑडियो, स्प्लैश एंड डस्ट प्रूफ। IP रेटिंग यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ स्प्लैश एंड डस्ट प्रूफ लिखा हुआ है। लाइट एंड कंफर्टेबल, 10 घंटे का प्ले टाइम है एट मिड वॉल्यूम, सुपर सॉलिड बेस विद पावरफुल ड्राइवर्स। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं देख रहा था, 10mm का ड्राइवर है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। अच्छा, मैग्नेटिक लॉक है, वो देख लेंगे। मेम्स माइक्रोफोन फॉर क्रिस्टल क्लियर कॉल्स, प्राउडली मेड इन इंडिया है ये। तो 1 साल का वारंटी मिल जाता है आपको, तो और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वारंटी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो वारंटी क्लेम करने के लिए ये प्रोसेस आप फॉलो कीजिएगा। और उसके बाद ये रहा हमारा ईयरफोन, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं और क्या क्या बॉक्स में है देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक वेलकम नोट है, एक यूज़र मैनुअल है। तो अभी ईयरफोन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स दिया गया है, ये शायद लार्ज एंड स्मॉल साइज का ईयर टिप्स दिया गया है। और यहाँ पे मीडियम साइज का ईयर टिप्स लगा हुआ है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैग्नेटिक है, लग गया एक साथ। यहाँ पे चार्जिंग केबल दिया गया है, चार्जिंग केबल यहाँ पे देख सकते हैं, माइक्रो USB चार्जिंग केबल दिया गया है। तो ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट। तो हाथ में लेते ही पहला इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही हल्का है। और यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। इसका थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं। यहाँ पे देखिए, मेवी का ब्रांडिंग है, इस तरफ कुछ नहीं है। इस तरफ देख लेते हैं, इस तरफ देखिए पावर ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पे वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का बटन है। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, LAV-L लिखा हुआ है और इस तरफ R। और यहाँ पे देखिए, माइक्रोफोन का होल है, वॉल्यूम कंट्रोल बटन, माइक्रोफोन सभी लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है। और यहाँ पे कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखिए, चार्जिंग पोर्ट है, तो यहाँ से आप चार्ज दे सकते हैं। तो ये भी कवर है, अच्छा लगा। बहुत सारे ईयरफोन्स आते हैं, चार्जिंग पोर्ट कवर्ड नहीं होता है, तो धूल वगैरह पानी वगैरह जाने का चांसेस होता है, तो इसके ऊपर कवर दिया गया है। और ये वाला पोर्शन रबर का है, इसलिए इतना फ्लेक्सिबल है। और ये वाला पोर्शन प्लास्टिक का है, इसीलिए इतना हल्का है ये। तो नेक पे कैरी करने के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, वो तो हम टेस्ट करके देख लेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये वायर उतना खास नहीं लगा, पतला सा है। और यहाँ पे देखिए, मेवी का ब्रांडिंग है और इस तरफ यहाँ पे R लिखा हुआ है राइट साइड के लिए। और यहाँ पे भी मेवी का ब्रांडिंग है और यहाँ पे L लिखा हुआ है लेफ्ट साइड के ईयर के लिए। जो जो नेक बैंड ईयरफोन का वायर यहाँ से निकलता है, वो सब नेक बैंड ईयरफोन मुझे अच्छा लगता है, और जो जो नेक बैंड का वायर यहाँ से निकलता है वो ठीक अच्छा नहीं लगता है दोस्तों देखने के लिए। अच्छा, तो पहली बार इसको स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे पावर ऑन कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए, LED इंडिकेटर है, पहले तो दिखाई नहीं दे रहा था, तो अभी कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है, 80% चार्ज है। तो अभी बेसिक जो इसका कंट्रोल्स है उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। म्यूजिक प्ले पॉज करने के लिए ये पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो म्यूजिक प्ले हो जाएगा, और पॉज करने के लिए भी यहाँ पे एक बार प्रेस करेंगे तो म्यूजिक पॉज हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, वॉल्यूम अप
और यहाँ पे वॉल्यूम डाउन का बटन है। नेक्स्ट ट्रैक पे जाने के लिए आप वॉल्यूम अप बटन को एक सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो नेक्स्ट ट्रैक पे चला जाएगा, और वॉल्यूम डाउन बटन को आप एक सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो प्रीवियस ट्रैक पे ये चला जाता है। और वॉइस असिस्टेंट जैसे कि गूगल असिस्टेंट और सीरी ओपन करने के लिए पावर बटन को एक सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो ये यहाँ पे देखिए गूगल असिस्टेंट ओपन हो गया। और यहाँ पे कॉल रिसीव एंड एंड करने के लिए पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो ये कॉल रिसीव एंड एंड भी सेम तरीके से होता है। और कॉल को आप रिजेक्ट या इग्नोर करना चाहते हैं तो पावर बटन को एक सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो कॉल रिजेक्ट या इग्नोर हो जाता है। और ये तो कुछ बेसिक कंट्रोल्स था, और भी बहुत सारे कंट्रोल्स है, आप मैनुअल पढ़ के ये सब देख सकते हैं। और अभी इसके बैटरी के बारे में बोल देते हैं, यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। 10 मिनट आप चार्ज देंगे तो ये क्लेम करता है कि 10 घंटे तक प्ले टाइम देगा 70% वॉल्यूम पे, और ये फुल चार्ज होने में 40 मिनट से लगता है। कितना एमएएच का बैटरी दिया गया है ये कहीं पे भी लिखा नहीं है, तो मैं बोल नहीं सकता कि कितना एमएएच का बैटरी है। तो ये सब कंपनी क्लेम करता है, लेकिन मैंने जब टेस्टिंग करके देखा है उतना बैटरी बैकअप नहीं देता है। फुल चार्ज करने के बाद कंटिन्यूस प्लेबैक पे आपको 7-8 आवर्स का बैटरी बैकअप देगा फुल वॉल्यूम पे, और आप 60-70% वॉल्यूम पे सुनेंगे तो आपको 10-11 घंटे तक बैटरी बैकअप दे देता है। अभी आपको इसका कॉल क्वालिटी कैसा है वो आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मेरी बीवी को कॉल करके आपको सुना देते हैं कि कॉल करने के वक्त इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। इसके बाद आप जो आवाज सुनेंगे इस ईयरफोन का होगा, क्योंकि मैं ये कॉल रिकॉर्ड करने वाला हूँ, वही रिकॉर्ड आपको सुनाऊंगा। एबार रिकॉर्ड होच्छे, लास्ट टाइम ये वाईफाई कॉलिंग ऑन छिलो बोले रिकॉर्ड होच्छिलो ना। अच्छा, अबे हिंदी से की बोलबो, किछु क्वेश्चन तो करो। क्या कर रही हो? पिछले आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार ही कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अभी तक लंच नहीं किया आपने? हाँ, अभी आ रहा हूँ, ये सब रिकॉर्ड करना है ना, इसीलिए लंच हुआ नहीं अभी तक, टाइम नहीं मिला। ठीक है, आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। हार्ड वर्किंग बंदा, ठीक है। ओके ठीक है, चलो चलो चलो, बाय। ओके कम फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि कॉल क्वालिटी कैसा है, अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है, कॉल मैंने काटा नहीं है। तो चलिए अभी रख देता हूँ। ओके बाय। चलो चलो बाय। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका कॉल क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। ये आपको पहनने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोफोन ठीक यहाँ पे है, तो माइक्रोफोन नजदीक होने के वजह से तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी आपको मिलता है। और यहाँ पे MEMS माइक्रोफोन का यूज किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। इसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन MEMS माइक्रोफोन की वजह से आपको एक क्रिस्टल क्लियर कॉल क्वालिटी सुनने को मिलेगा। और अभी इसमें IP सर्टिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। हालांकि यहाँ पे कहीं पे भी IP सर्टिफिकेशन के बारे में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है कि स्वेट एंड डस्ट प्रूफ है, तो ये भी एक एडवांटेज है। हल्का सा बारिश पे और अगर आप इसको लेके जिम पे जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है। और हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है कि इसके साथ दोनों डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ 5.0 होने की वजह से बहुत ही अच्छा और बहुत ही फास्ट स्मार्टफोन और लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाता है। और इसका रेंज 10 मीटर तक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों स्मार्टफोन पे एक साथ कनेक्ट हो गया ये। और यहाँ पे देखिए स्मार्टफोन एंड लैपटॉप दोनों के साथ यहाँ पे एक साथ कनेक्ट हो गया। तो अभी इसका लेटेंसी के बारे में बात करते हैं। अगर आप इसको कनेक्ट करके गेम खेलेंगे तो हाँ दोस्तों, थोड़ा सा लेटेंसी देखने के लिए मिलता है, जो कि इस प्राइस रेंज के सभी ब्लूटूथ ईयरफोन्स पे देखने को मिलता है। और जैसे कि मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, तो म्यूजिक के साथ जब वीडियो को सिंक करता हूँ तभी प्रॉब्लम होता है, इसमें थोड़ा सा लेटेंसी देखने के लिए मिलता है। तो ये सब प्रोफेशनल काम के लिए भी ये ब्लूटूथ ईयरफोन उतना अच्छा नहीं है। तो इसके साथ थोड़ा सा गेम खेल के आपको दिखा देते हैं। तो अभी दोस्तों इसका जो मेन चीज है वो है म्यूजिक क्वालिटी, उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसका म्यूजिक क्वालिटी मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। जो लोग बेस लवर है उन लोगों को ये बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही अच्छा बेस है इसका, और इसका ट्रेबल एंड वोकल्स भी बहुत ही अच्छा है। तो ओवरऑल इसका म्यूजिक क्वालिटी बहुत ही अच्छा सुनने को मिलेगा। तो आप जब इसके साथ मूवीज वगैरह देखोगे तभी भी आपको एक बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी मिलेगा। तो अभी दोस्तों 10 दिन यूज करने के बाद
इसका क्या प्रोज एंड कॉन्स है और कंक्लूशन के बारे में बात करते हैं। तो पहले इसका प्रोज वगैरह बता देते हैं। सबसे पहले इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। आप जब इसको पहनोगे तो नेक में कुछ फील ही नहीं होगा, बहुत ही हल्का है। यहाँ पे जो रबर का पोर्शन है यहाँ पे देख सकते हैं पूरा बेंड हो रहा है, तो इसके लिए बहुत ही हल्का है। और यहाँ पे प्लास्टिक का यूज किया गया है लेकिन प्लास्टिक का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, तो पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। और इसका जो ईयर टिप्स है थोड़ा सा कर्व है तो कान में बहुत ही आसानी से चला जाता है, बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाता है। बहुत टाइम तक आप इसको पहने रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे जो ईयर टिप्स दिया गया है, हो सकता है कि आपका कान बड़ा हो या छोटा हो, उसके हिसाब से वहाँ पे एक्स्ट्रा ईयर टिप्स दिया गया है, उसके हिसाब से इसको लगा के आप यूज करना। और दोस्तों यहाँ पे और एक अच्छी बात है कि इस ईयरफोन का, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पोर्शन मैग्नेट का दिया गया है, तो इससे क्या होगा आप जब इसको नेक पे लेके चलेंगे तो ये इधर उधर नहीं चला जाएगा, तो एक जगह पे रहेगा ऐसे, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि इसका कुछ एक्स्ट्रा फीचर वगैरह नहीं है, जैसे कि इसको अटैच और डिटैच कर दोगे तो प्ले पॉज नहीं होगा म्यूजिक, तो वो सब फंक्शन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ मैग्नेट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद प्रोज है इसका कॉल क्वालिटी, आप जब कॉल पे रहोगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर साउंड मिलेगा, तो ये चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो बहुत सारा स्टूडेंट्स जो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ छुप छुप के बातें करता है बहुत ही धीरे से, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। तो जितने भी ईयरफोन्स का मैंने रिव्यू दिया है वहाँ पे कमेंट्स आता है कि धीरे बात करने से इसमें क्वालिटी अच्छा मिलता है क्या, तो इसमें धीरे बात करने से भी बहुत अच्छा क्वालिटी मिलेगा। और उसके बाद म्यूजिक क्वालिटी के बारे में तो मैंने बता ही दिया है, बहुत ही अच्छा म्यूजिक क्वालिटी आपको मिलता है, बेस लवर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और हाँ, ये दोनों डिवाइसेस के साथ एक साथ कनेक्ट होता है, तो ये भी एक प्रोज है। तो अभी इसके कॉन्स के बारे में बता देते हैं। तो इसका प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो कॉन्स ज्यादा कुछ है नहीं, फिर भी जितना भी कॉन्स मुझे लगा इसमें तो वो थोड़ा बता देते हैं। तो पहला जो कॉन मुझे लगा, यहाँ का बटन्स थोड़ा हार्ड है, वॉल्यूम प्लस बटन तो ठीक है लेकिन माइनस बटन थोड़ा प्रेस करने में प्रॉब्लम होता है। उसके बाद लेटेंसी, तो यहाँ पे लेटेंसी देखने के लिए मिलता है, आप जब गेम खेलोगे और वीडियो एडिटिंग करते हो तो वहाँ पे भी लेटेंसी देखने को मिलता है। बट मैंने बता दिया था कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से सभी ब्लूटूथ ईयरफोन्स में लेटेंसी देखने को मिलता है। बिना लेटेंसी वाला ब्लूटूथ ईयरफोन आप यूज करना चाहते हो तो जिसमें एप्टेक्स कोडेक दिया गया है वो वाला यूज करना, वो सब ईयरफोन्स में लेटेंसी एकदम ना के बराबर है, बट वो सब ईयरफोन्स का प्राइस भी ज्यादा है, तो प्राइस के हिसाब से ये ठीक ही है। बाकी कुछ कॉन्स मुझे इसमें दिखा नहीं। तो अभी कंक्लूशन पे आते हैं। तो आपको एक अच्छा बेस वाला ब्लूटूथ ईयरफोन चाहिए और आपको अगर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स अच्छा लगता है तो ये आप जरूर ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। हाँ, छोटा मोटा कुछ कॉन्स है लेकिन प्राइस के हिसाब से वो सब इग्नोर आप कर सकते हैं। तो अगर आप ये प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो इतना तक ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहता हूं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे क्रिएटिव।